मोदी जी के जम्मू दौरे से पहले किस तरह की जो है वो तैयारियां, और आपको बता दें कि सुरक्षा के हवाले से भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो जम्मू के एमए स्टेडियम में आने वाले हैं। सीधा आपको सामने की तस्वीरें जो है वो एमए स्टेडियम के आसपास के एरिया की बता रही हूँ। सबसे पहले जो लोग अपने अपने घरों से जो है वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि किसी की शादी है, कोई अपने ज़रूरी काम से बाहर निकल रहा है। सबसे पहले बता दूँ, जो एमए स्टेडियम के पास आने वाले जितने भी रास्ते हैं, सबसे पहले उन्हें जो है वो डाइवर्ट किया गया है। पुलिस की अलग अलग विंग्स जो है वो काम कर रही है, और बारिश को देखते हुए भी जो मौसम जो है वो लगातार खराब चल रहा है, और बारिश के मद्देनजर यहाँ पर खास तरह की तैयारियां की गई है। देखिए, जो रूट्स है इन्हें यहीं से डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी जिन्हें विक्रम चौक की तरफ जाना था उन्हें गुज्जर नगर पुल से होते हुए जो है अपनी डेस्टिनेशन जो है वो कंप्लीट करनी होगी। और देखिए, जो पुलिस कर्मी है, ट्रैफिक पुलिस की एक झलक मैं आपको दिखा दूं। सामने देखिए, जो ट्रैफिक पुलिस है वो किसी को भी इस तरफ जो है वो नहीं आने दे रही है। हर किसी को, चाहे आपके पास स्कूटी है, चाहे आपके पास गाड़ी है, आपके रूट को गुज्जर नगर की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, और आपको गुज्जर नगर से होकर ही यहाँ तक पहुँचना होगा। ये खबर इसीलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि लोग जो है वो जाने के लिए निकले थे। देखिए, गाड़ियों को इस तरह से यहाँ पर घुमाया जा रहा है, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से नहीं आ पा रही है। कईयों को यहाँ शादी है, कईयों को जो है रिश्तेदारों को भी शादी में पहुँचना है, तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी ये चीज़ है कि वो बात कर जो है ट्रैफिक पुलिस से या पुलिसकर्मी से यहाँ तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जिन्हें विक्रम चौक की तरफ जाना है वो अभी सब लोग वहाँ पर खड़े हैं, जिन्हें विक्रम चौक की तरफ जाना है। और ये एक खास तरह की, जिस तरह से आपको बता दें कि एक शेड बनाया जा रहा है ताकि बारिश में भी जो है किसी भी तरह का कोई खलल जो है बारिश ना डाल पाए। और ये सबसे बड़ा टेंट जो है वो बिल्कुल एमए स्टेडियम के बाहर लगाया जा रहा है। अगर मैं छोटी सी धूप की बात करूँ तो धूप जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन आज कोई काम नहीं होने वाला क्योंकि मौसम की वजह से यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप लोगों को जो है वो एहतियात बरतना होगा। और ये जो आप टेंट वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी के आने की यहाँ पर तैयारियाँ हैं, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी की बात करते हैं, उन्हें यहाँ पर रुकना है, उन्हें गाड़ियों की चेकिंग करनी है, यहाँ से लोगों को अंदर छोड़ना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बारिश से निपटने के लिए खास तरह का टेंट जो है वो लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है वो ना हो। इस तरह से एम्बुलेंस की गाड़ियां हो, आर्मी की गाड़ियां हो, उनको भी यहां पर तैनाती की। एक बार आपको चारों तरफ से जो है वो विजुअल्स दिखाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन साथ साथ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा बहुत अहम रहने वाला है। जो लोग भी अपने अपने घरों से देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी सरकार में आते हुए जितने भी वादे किए हैं वो वादे जो है वो पूरे उतरे हैं। चाहे वो पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस ही क्यों ना हो, चाहे आर्टिकल 370 का खात्मा ही क्यों ना हो, चाहे यहाँ पर सबके लिए डोमिसाइल ही क्यों ना हो, चाहे यहाँ पर रोज़गार ही क्यों ना हो, और चाहे हेल्थ सेक्टर में बढ़ोतरी ही क्यों ना हो। तो ये साफ तौर पर तस्वीरें आप लोगों को ये बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा कितना अहम है, प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा कितना खास है, इस दौरे के दौरान क्या कुछ होने वाला है। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जम्मू बुलेटिन न्यूज़ के माध्यम से जो है वो दिखाई दे रही है। तो चलिए, आपको थोड़ा सा एमए स्टेडियम की ओर भी चल, तो आपको मैं ये तस्वीरें जो है वो यहीं से दिखा दूं। देखिए, आर्मी की गाड़ियों के जो है वो पूरे इंतजाम भी यहाँ पर कर दिए गए हैं। आसमान में पूरी तरह से बादल जो है वो छाए हुए हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा यहाँ पर शुरू होगा, क्या तब भी बारिश रहेगी, ये देखने वाली जो है वो बात होगी। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की जिस तरह से बात करते हैं, उनके आने के लिए तैयारियाँ जो है वो पूरी तरह से जो है वो पूरी हो चुकी है। ऑलमोस्ट कल प्रधानमंत्री मोदी जी जो है यहाँ पर टाइमिंग की बात करें, इस वक्त तो जो है जम्मू पहुँच जाएंगे, और लोग उन्हें सुनने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है कि हम नरेंद्र मोदी को जो है वो सुनना चाहते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी को जो है वो सुनना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये तमाम लोग जो है वो आने वाले हैं। यहाँ से आपको जो है ट्रैफिक रूट्स के बारे में भी जो है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, चाहे रोजगार हो, चाहे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर पहुंचेंगे, और इसी के साथ साथ सुरक्षा कितनी कड़ी है आपको ये तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की है कि अभी जम्मू के चप्पे चप्पे की जितनी भी जगह है उन्हें खंगाला जा रहा है। चाहे डॉग स्क्वाड की मदद की जाए, चाहे बॉम्ब स्क्वाड की मदद की जाए, चाहे पुलिस विंग जो है वो अपने बिहाव पर कर रहा है, लेकिन कोई भी छोटी सी चीज़ जो है वो चूक ना जाए, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरी सुरक्षा का जायज़ा लिया जा रहा है। और आपको बता दें कि जगह जगह पर पुलिस की गाड़ियाँ हैं जो बिना चेकिंग किए किसी भी एक गाड़ी को जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों के घर पर फंक्शंस है वो थोड़ा सा पुलिस को बता सकते हैं ताकि आपकी बहसबाजी ना हो, पुलिस से कॉपरेट करें क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और आप लोग जो है पुलिस को सबसे ज़्यादा कॉपरेट करिएगा। और तमाम तस्वीरों की बात करें, आप यहीं से देख पाइएगा
कि वहां पर जम्मू पुलिस ने जो है वो पूरी तरह से बंद कर रखा हुआ है, लेकिन लोग जो है जिन्हें विक्रम चौक की ओर जाना है, शायद उन्हें गुज्जर नगर का जो है वो सहारा लेना पड़े जिन्हें विक्रम चौक की ओर जाना है, तो तमाम रूट्स को जो है यहाँ से ही डाइवर्ट कर दिया गया है। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, पल पल का अपडेट जो है वो आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जम्मू में क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं। पल पल की अपडेट देखने के लिए जम्मू लटर न्यूज को जो है लाइक कर ले, कमेंट बॉक्स अपनी राय रखे और वीडियो को शेयर करें, और बताइए कि आप लोग कितने उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे के लिए।